हेलो स्टूडेंट, हमारा संस्कृत का पाठ 8 पाथेयम, इसमें श्लोक दिए गए हैं, ये हम पढ़ेंगे और इसी के नीचे इसका संस्कृतार्थ और भावार्थ भी लिखा गया है। पहला श्लोक है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैन क्लेद यंत्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें हम देखेंगे कि आत्मा शस्त्राणी न छिदंती पावक एन न दहती, आप एन न क्लेदयति मारुत एन न शोष्यति, इसका संस्कृतार्थ है। अब हम इसका हिंदी में देखेंगे भावार्थ। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का तथ्य बताते हुए कह रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, कोई भी शस्त्र उसे काट नहीं सकते हैं और अग्नि उसे जला नहीं सकती है, जल इसको भिगो नहीं सकता है और वायु इसे सुखा नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा हमारी अमर होती है। दूसरा श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका संस्कृतार्थ है, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविन च तस्य नित्यम आयु विद्या यश बलम एतानि चत्वारि वर्धन्ते। इसका भावार्थ, नीतिज्ञ कहते हैं कि अपने से बड़ों का आदर करने वालों की तथा बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की हमेशा उम्र, ज्ञान, कीर्ति और बल, इन चारों चीजों की हमेशा वृद्धि होती है, वह बढ़ता ही रहता है। अगला श्लोक है, उत्साह साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवा सहायका। इसका संस्कृतार्थ है, यत्र साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमश्च एते षड्गुणा तिष्ठन्ति तत्र देवाः अपि सहायका भवन्ति। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। नीतिज्ञों का पूर्वानुभव है कि जहां पर उत्साह साहस मतलब आत्मविश्वास, धैर्य बुद्धि ताकत और वीरता पराक्रम, ये सब 6 गुण होते हैं, वहां पर देवता भी सहायक होते हैं। जहां पर ये 6 गुण एक साथ पाए जाते हैं तो वहां देवता भी सहायक होते हैं। अगला है, परम शिप्ति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा यश्च क्रुध्यत निशान च स च मूर्तमो नर। संस्कृतार्थ, स्वयं दोषेण युक्त सन अपि अन्येषा मुपरि दोषारोपणम करोति असमर्थ भूत्वापि अन्येषा मुपरि क्रोधम करोति स नरः महामूर्ख अस्ति। इसका भावार्थ है, यह श्लोक महाभारत काल का दिया हुआ है। इसमें महानीतिज्ञ विदुर धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे महाराज, जो व्यक्ति दोषी होते हुए भी दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है, मतलब अपना दोष नहीं निकालता, वो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है और असमर्थ होते हुए भी वो दूसरों के ऊपर क्रोधित होता है, वह मनुष्य महामूर्ख होता है, महामूर्ख कहलाता है। अगला श्लोक है, यम माता पित्रो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष शतेरपि। इसका संस्कृतार्थ हम देखेंगे, नृणाम संभवे माता पित्रो यम क्लेशे सहेते सह तस्य निष्कृति वर्ष शते अपि कर्तु न शक्नोति। भावार्थ, मनुष्य के लिए उसके माता पिता जो कष्ट सहते हैं उसका निवारण 100 वर्षों में भी कर पाना संभव नहीं है। मतलब माता पिता जो कष्ट सहन करके और बच्चों के लिए काम करते हैं उसका निवारण 100 वर्षों में भी पूरा संभव करना संभव नहीं होता है। कौ लाभो गुणी संगम किम सुखम प्राज्ञे तरे संगति का हानि समय च्युति निपुणता को धर्म तत्वे रति क शूरो विजय विजतेन्द्रिय प्रियतमा कानुव्रता किम धनम विद्या किम सुप्रवास गमनम राज्यम किमाज्ञा फलम। संस्कृतार्थ, जगती का लाभ का हानि की दुख च अस्ति गुणीना संगति लाभ मूर्खाणा संगति दुखदात्री समयस्य दुरुपयोग हानि धर्मे आस्था निपुणता भवति वीरह क येन इंद्रियाणि नियंत्रितानि प्रियतमा का पतिव्रत स्त्री विद्या एवं धनमस्ति अप्रवासे एवं सुखम अस्ति यत्र आज्ञाया उल्लंघनम न भवति तत् राज्यम राज्यमस्ति। अब इसका भावार्थ देखेंगे हम। संसार में जन्म लेने से क्या लाभ, क्या दुख और क्या हानि है? गुणी जवानों की संगति से लाभ है, जो भी गुणीजन होते हैं उनकी संगति से हमको लाभ होता है। दुर्जनों की संगति दुख देने वाली होती है
और समय का दुरुपयोग हानि है। जो समय बर्बाद करते हैं उसके लिए हानि है। धर्म में आस्था रखना ही निपुणता कहलाता है। हमें धर्म में पूरी आस्था रखनी चाहिए। वीर कौन है? जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। प्रियतमा कौन है? पतिव्रता स्त्री। विद्या ही धन है। यात्रा न करना ही सुख है। राज्य वही है जहां पर कि आज्ञा का उल्लंघन न हो। तो ये पूरा पाठ आप अपनी किताब से पढ़ लेंगे और इसमें संस्कृतार्थ और भावार्थ दोनों दिया है, तो इससे आपको समझने में भी मदद मिलेगी। प्रश्न 3 की एक्सरसाइज देखेंगे हम। रिक्त स्थान भरना है हमको। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपह एनक ले दियति, यहाँ से देख के हमको लिखना है। दूसरा है, शूरो विजितेंद्रिय भवति, ग पराक्रम गुण अस्ति, घ है एनम पावक न दहति, ड वृद्धोपसेविन चत्वारी वर्धन्ते, च गुणी संगम लाभ अस्ति। अब 4 वाली एक्सरसाइज देखना है हमको, श्लोकानाम यथायोग्य मेलियत, इन श्लोकों को हमें मिलाना है। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, षडेते यत्र तिष्ठन्ती तत्र देवा सहायका, यश्च क्रुध्यत्निशानाः सच मूर्तमो नर न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षतेरपि, न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षतेरपि, कौलाभ गुणी संगम किम सुखम प्राग्येतरे संगति। तो इसको हम ऐसे देख देख करके यहाँ से मिला लेंगे।